इस पता है क्या गाली दिया? बोले कि तुम रंडी हो, तुम्हारी बेटी रंडी है, तुम्हारे बेटे को कोठा में भेज दो। ये कोई बात हुआ, ये कोई मतलब है? आ जाती हो मुंह उठा के, माधवचुत की बच्ची, ऐसे कोई बोलता है? साला होगा माधवचुत्तू या माधवचुत्ती, कुछ क्या भी कुछ भी हो तुम, उड़ जाए हमारा चैनल। पर इस बार हम स्क्रीनशॉट लगा कर डालेंगे तुम्हारा, सुन लो तुम। सो गाइस, मैं ये व्यूज़ के लिए किसी को गाली नहीं दे रही हूँ, मैं व्यूज़ के लिए किसी को मैं बोल नहीं रही हूँ, मैं व्यूज़ के लिए, मुझे नहीं चाहिए व्यूज़। और जिसको देखना है वो देखे, जिसको ना देखना है मत देखे। लेकिन हाँ, अगर मेरे बेटी के बारे में आया तो मैं ज़रूर बोलूँगी, ठीक है? और लोग क्या सोचेंगे वो हम नहीं जानते हैं, ठीक है? ऐसे ही तो बहुत सारे लोग तो मुझे बुरे बोलते हैं, और एक दो बुरे बोल लेंगे तो हमारा क्या जाएगा? आप फिर बताओ गाइस, ये हमारा मिनी ब्लॉग से, ठीक है? ये मैं इस ब्लॉग में पहले भी डाली कि मैं बोली कि मेरे बेटी को गाली दिया गया। अब क्या गाली दिया गया तो मैं इस चैनल के फर्स्ट पेज में बताती हूँ। तो गाइस, आपको अच्छा लगेगा कि आपका बेटी या अपना माँ या पिताजी या आपके रिश्तेदार को कोई गाली दे और चले जाए, उसका कोई मजाक बना दे, नहीं अच्छा लगेगा। तो इसको कौन हक दिया है? मैंने पैदा किया है इसको, मैंने, मेरे बेटी को मैंने पैदा किया, तो मैं ना जानूंगी? हाँ, जब मैं गाली नहीं देती तो ये कौन होता है? ये आदमी, हाँ, ये इंसान, ये कौन होता है मेरे बेटी को गाली देने वाला? शायद पता नहीं, अपना माँ बाप को भी ऐसी गाली देता होगा शायद, कितना गंदा सोच रखता है, गंदे सोच वाले इंसान, साला गू खा के पैदा हुआ है ना क्या, कि गोबर खा के पैदा हुआ है। सच में गाइस, हमको ना बहुत बहुत रोए, हम बहुत रोए, कोई मेरे बेटी को गाली दिया ना, मैं बहुत रोई रियली में। अब आप लोग लाइक करो या ना करो, सपोर्ट करो या ना करो, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड जाता है। अगर आप लोगों के साथ अगर ऐसा होता है ना, तो आप लोग ना जी नहीं सकते जैसे मैं नहीं जी पा रही हूँ। तो वो मेरी बेटी है, मैं उसके लिए इतना तो लड़ सकती हूँ और बोल सकती हूँ, ये मेरा हक है कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताना।